हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम शर्मिला है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पोहा की रेसिपी। लेकिन ये नॉर्मल पोहा नहीं है, इसका फ्लेवर काफ़ी अलग है। अगर आप रोज़ रोज़ सेम पोहा खा के थक गए हैं तो आप इस नए फ्लेवर वाले पोहा को इंजॉय कर सकते हैं। बनाने में सिंपल है, झटपट बन जाती है, हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं पोहा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पोहा लिया है। इतने पोहे में 3 से 4 लोग आराम से खा लेंगे। यहाँ पे आपको मोटा वाला पोहा लेना है, इसको चूड़ा भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं, इस तरीके का पोहा लेना है। अब हम इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप पानी में पोहा को बहुत टाइम तक नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपका पोहा खिला खिला नहीं बनेगा, चिपचिपा बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि धोने के बाद मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है। यहाँ पे एक प्याज मैंने कट करके ले लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, धनिया लिया है और एक कैप्सिकम लिया है। आप मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, गाजर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सब्ज़ी अच्छा लगता है उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक आलू मैंने लिया, जिसे भी मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। मूँगफली लिया है और काजू के कुछ पीसेस लिए हैं, जिसे भी मैंने थोड़ा कट कर लिया है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया, जिसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने तेल डाला है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है। और इसी में मैंने मूंगफली को पहले भून लिया था, उसके बाद काजू को मैंने भूना है। मूंगफली भून जाता है, उसके बाद आप काजू डालिएगा, नहीं तो काजू जल्दी जल जाता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन सिंपल हमें बस इस दोनों को भूनना है। इसे मैं निकाल के अब साइड में रख देती हूँ। अब जो तेल बचा है उसी में हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले 1/2 चम्मच यहाँ पे छोटी वाली सरसों के दाने मैंने डाले हैं। इसी के साथ कड़ी पत्ता और मिर्ची डाला, हरी मिर्ची मैंने डाल दिया है। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखिएगा, नहीं तो जलने का डर है हमारे मिर्ची को। अब मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ। देख रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए हैं, जिससे कि हमारा आलू जल्दी पक जाएगा। पतले पतले स्लाइस में भी काट के डाल सकते हैं। इसे हम अब पका लेंगे, तो ढक्कन लगा के आप इसे पका लीजिए। तो यहाँ पे आलू हमारा पक गया है। इसे 3 से 4 मिनट लगता है और पकने में। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, तो आप चेक कर लीजिए, थोड़ी सी कसर है जो बाकी सब्जियों के साथ में पक जाएगा। तो अब मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ, साथ में मैं इसमें शिमला मिर्च भी डाल दे रही हूँ। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है उससे डालिए, जो नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर सकते हैं, और जो पसंद है उसमें ऐड भी कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो अभी आपको सब्जी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। ज़्यादा एक साथ में अगर सब्जी में हम डाल देते तो सब्जी में नमक ज़्यादा आता है और पोहा में कम आता है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाला। अभी आपको सिर्फ सब्जी के अकॉर्डिंग ही डालना है और इसे भी हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है पोहा, जिसे हमने धो के रखा था। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, तो पोहा के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। इसी के साथ आप इसमें हल्दी डाल दें, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डाल दें। साथ में हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे मैं 2 चम्मच बड़ी वाले चम्मच से 2 चम्मच में पानी डाल दे रही हूँ। इससे ये होता है कि आपका जो पोहा है वो कड़क नहीं बनेगा, सूखा सूखा नहीं बनेगा, अलग अलग रहेगा लेकिन वो सॉफ्ट रहेगा, इस तरीके से बनाइएगा। तो अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी डाल रही हूँ, लेकिन ये आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच पानी और डाल दे रही हूँ और मिक्स कर दे रही हूँ। लेकिन अगर आपका पोहा इस तरीके से ड्राई नहीं है तो आप पानी ना डालें, इस बात का भी ध्यान रखें। अब आप देख सकते हैं कि सब्जी भी हमारा थोड़ा पका हुआ लग रहा है, गला हुआ लग रहा है। बस हमें इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा सीक्रेट मसाला, जो कि मैगी मसाला है, जो आजकल हर जगह पे मिल जाता है, हर दुकान में मिल जाता है। आप इसका यूज़ करें। इसे काट के 2 कप पोहा में, 1 पैकेट परफेक्ट जाता है, तो आप इसे डाल दें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अलग और टेस्टी इसका फ्लेवर आता है और मैगी तो सभी को पसंद है ही। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा पोहा। तो आप देख सकते हैं कितना खिला खिला पोहा है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से रखना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि पोहा को बहुत टाइम तक पानी में धोते समय नहीं छोड़ दीजिएगा, नहीं तो पोहा आपका चिपका हुआ रहेगा। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया मूंगफली और काजू, जिसे हमने भून के रखा था। हमें पोहा को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक ही इसे भूनना रहता है मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना रहता है पोहा को।
अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच नींबू का रस, इससे खटास आएगी और पोहा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिया है इतना में, और ये परफेक्ट गया था। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया। धनिया डालने के बाद बस गैस को हम बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है पोहा को पकते हुए, अब हम बंद कर देंगे और देख सकते हैं कितना अच्छा पोहा बनके हमारा रेडी है, एकदम खिला खिला है। आप इसी तरीके से बनाइए, इसे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, जल्दी बन जाता है, कुछ नया फ्लेवर है। इसके ऊपर आप बस कटा हुआ प्याज डालिए और थोड़ी सी नमकीन, और इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन में ऑल बटन पर जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।